हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है रोसारी बायोटेक, जो पिछले 2-3 दिन से शानदार रैली दिखाई दे रही है। इसके मेजर्स रेजिस्टेंस कहाँ पे, आने वाले 3-4 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करें तो अपने को कितना रिटर्न मिल सकता है, इसमें और कितनी नीचे करेक्शन हो सकती है, वो डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से टेक्निकल चार्ट को रीड करके अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी कहाँ पर प्रॉफिट बुक करने चाहिए, कहाँ पर अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको लर्निंग बहुत मिलेगी। आप वीडियो कंप्लीट होने के बाद में खुद डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग करनी चाहिए। और दोस्तों, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है डाटा पैटर्न, दीपक नाइट्रेट, वेवो ग्लोबल के बारे में डिस्कस किया है। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से अपने को बाइंग करनी चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये रोसारी बायोटेक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। दोस्तों, सबसे पहले अपने को चार्ट को रीड करने के लिए अपने को ट्रेंड पता होना चाहिए कि कोई भी अपन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने को ट्रेंड का पता होना चाहिए कि कितने तरह के ट्रेंड होते हैं। ये स्टॉक अप ट्रेंड का चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड का चल रहा है या साइडवेज है। तो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज। तो अपन समझेंगे कि अप ट्रेंड को किस तरह से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड को अपन देखिए, लेफ्ट बॉटम से लेके राइट की तरफ अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको अप ट्रेंड बोला जाता है। इस तरह से प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है तो यहां से आप बोल सकते हो कि अप ट्रेंड में। इसमें देख सकते हो यहां तक इसका अप ट्रेंड था। और डाउन ट्रेंड किस तरह से, डाउन ट्रेंड लेफ्ट टॉप से लेके नीचे की तरफ आता है तो उसको प्राइस का अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको डाउन ट्रेंड बोलोगे। यहां से आप देख सकते हो कि इसमें अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज होता है लेफ्ट मिडिल से लेके राइट मिडिल की तरफ, कह सकते हो कंसोलिडेट फेज होता है, जिसमें स्टॉक न तो ऊपर जाता है नीचे नीचे जाता है, एक कंसोलिडेट फेज में ट्रेड करता रहता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है ऊपर जाता है, ऐसे ट्रेड करता रहता है। तो उसमें अपने को ट्रेड या अपने को इन्वेस्ट नहीं करना है। अपने को इन्वेस्ट कब करना है, या तो कोई ब्रेकआउट के समय हो या मेजर सपोर्ट के पास में अपन बाइंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड को और किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, अपन जिस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू में अपने समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे अपन छत पे जाते हैं, छत पे अपन चढ़ाई करते हैं या कहीं ऊंचाई पे चढ़ते हैं, तो एक छत पे मान लीजिए छत पे जाते हैं तो अपन सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, तो ऊपर की तरफ जिस तरह से ऊपर जाते हैं उसी तरह से स्टॉक भी छत पे जाता है, ये मान के चलो आप। ठीक है, जिस तरह से मैथमेटिक्स में अपन मानते थे कि माना की, तो इसी तरह से आप मान सकते हो कि छत पे स्टॉक जा रहा है। अब देखिए इस चार्ट में, देखिए ये छत की सीढ़ियां हैं अपनी, ठीक है, छत पे जाते हैं तो ये सीढ़ियां, ये ऊपर वाली सीढ़ी, ये ऊपर वाली सीढ़ी, ये ऊपर वाली सीढ़ी, यानी ऊपर की तरफ ये सीढ़ियां चढ़ी हुई है, तो स्टॉक भी ऊपर की तरफ जा रहा है। टेक्निकल लैंग्वेज में समझें तो ये एक टॉप मान लेते हैं, एक बॉटम मान लेते हैं, उसका ऊपर वाला टॉप हायर टॉप और नीचे वाला है वो हायर बॉटम होता है। तो अप ट्रेंड में अपने को हायर टॉप हायर बॉटम मिलेंगे, सीढ़ियां होती है, उसी तरह से ही स्टॉक का ऊपर जाता है नीचे आता है ऊपर नीचे जाता है, ऐसे करता रहता है। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लेफ्ट टॉप से लेके नीचे की तरफ आता है, इसमें टॉप मान लिया, एक बॉटम, एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया, इसके टॉप के वाला नीचे वाला टॉप लोअर टॉप हो जाता है, उसमें क्या टॉप का हायर टॉप मानते हैं, इसमें लोअर मतलब नीचे आता है तो लोअर टॉप होता है, ये लोअर टॉप, ये लोअर बॉटम, इसके वो नीचे वाला लोअर टॉप लोअर बॉटम, यानी लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न आपको डाउन ट्रेंड में दिखाई देंगे। अब एक चीज ध्यान रखिए, अगर अपन सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं और फिर अगर वापस अपने को ऊपर की तरफ जाना होता है तो अपनों को क्या करना होता है, पहले वाली सीढ़ी को क्रॉस करना होता है, क्रॉस करके ही फिर वापस अपन ऊपर की तरफ जाएंगे। उसी तरह से स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में है, अगर उसको अपने का ट्रेंड चेंज करना होगा तो वो क्या करेगा, पहले वाले लोअर टॉप को पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा। ये मान लीजिए इसका लोअर टॉप पैटर्न है, आप देख सकते हो डायग्राम में, इसमें चार्ट में देखिए, यहाँ लोअर टॉप पैटर्न था, उसको ब्रेकआउट, इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, एग्जैक्ट ही वहीं रेजिस्टेंस लिया, शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न बनाई, ब्रेकआउट फेल होके फिर नीचे आ गया। अब यहाँ की बात करें तो इसमें अपने को अब लोअर टॉप पैटर्न कौन सा है, अगर सिंपल माने तो ये एक इसको यहाँ पैटर्न आपको दिखाई दे सकता है, प्राइस लगभग 825 को अगर ब्रेकआउट करता है, छोटा तो देखो ये सबसे तो ये अच्छा रही ही रहेगा, 1060 के लगभग रहेगा, लेकिन ये तो बहुत ऊपर हो चला जाएगा। लेकिन अगर अपन माने तो ये इसको रेजिस्टेंस को, पहले देखो यहाँ पर सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और एक लोअर टॉप पैटर्न टाइप का बना हुआ है यहाँ पर, ये तो 820 या 25 को ब्रेकआउट करता है तब इसमें ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। देख दो महीने पहले हमने दोस्तों डिस्कस किया था, उसका मैं लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो साथी पहले जुड़े हुए हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये मेजर सपोर्ट है। यहाँ पर देखो मार्च के लगभग ये डिस्कस किया था कि मेजर सपोर्ट बना हुआ था, डब्लू पैटर्न भी बना था, देखो डबल बॉटम पैटर्न बना, डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट भी हुआ था उस टाइम, जो पहले नहीं बाइंग किए अब वो कर सकते हैं, बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार। अब क्यों किया था, देखो पहले का यहाँ पर सपोर्ट भी था, ये देखो यहाँ पर अभी क्या कर रहा है,
जब मार्केट में लिस्टेड हुआ था ना ये, तब वहीं पे आ गया, उससे नीचे आ गया था। तो हमने किया कि ये नीचे इसका कोई पहले का चार्ट है नहीं, तो लेकिन मेजर सपोर्ट यहाँ पर RSI में डाइवर्जन भी उस टाइम दिखाई दे रहे थे, वो भी अभी अपन देखेंगे। तो अपने को क्या करना है, अभी बाइंग करेंगे तो अगर इसको प्राइस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, प्राइस सस्टेन करेगी, तब ट्रेंड को देखें। हम दूसरी चीज और देखेंगे, अभी देखेंगे जैसे 200 मूविंग एवरेज है, ट्रेड लाइन है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, सबका अपन इसमें एनालिसिस करेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा, वीडियो के अंत तक बने रहे। अब बात करते हैं, देखिए ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सी होती है दोस्तों, जैसे कोई स्टॉक बॉटम आके रिवर्स होता है तो वो जरूर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। टॉप से यहाँ से रिवर्स होता है तो जरूर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। ये नहीं कि एक टाइम फ्रेम हमने कहा दूसरे में भी बना सकता है, लेकिन अपने को आइडेंटिफाई करना होता है। यहाँ की बात करें तो देखिए टॉप में कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अब इसमें देखोगे तो एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना। क्या होता है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक, वो टॉप में बनता है और टॉप में बनने के बाद में उससे पहले मतलब एक ट्रेंड होना चाहिए और फिर आपको डाउन ट्रेंड दिखाई देगा और इस टॉप को ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। अब इसमें अपने को दिखा रहे हैं, अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखो तो आपको देखो बहुत ही शानदार एक शूटिंग स्टार कैंडल, दो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। उसमें क्लियर नहीं दिखा रहे दे रहा, लेकिन इसके बड़े टाइम फ्रेम में देखो तो बहुत ही शानदार एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अब देखिए यहाँ पर हेम्बर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, यहाँ पर डोजी टाइप की कैंडल बना है, यहाँ पर भी डोजी कह सकते हो, इसको हेम्बर तो नहीं है, डोजी कैंडल बना है। तो इसमें देखोगे कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड था और ये डोजी कैंडल है, और इसमें अगर थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम देख लेते हैं तो इसमें और आपको दिखाई देगा। देखो हेम्बर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको हेम्बर है, उसमें मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। तो ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, इनके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है पूरी स्टेप बाय स्टेप। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो और उसको सीख सकते हो। दोस्तों बिना सीखे आप किसी को, किसी के कहने पर, मेरे कहने पर भी इन्वेस्ट नहीं कीजिए। आपको एनालिसिस आना चाहिए, जब भी आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छा रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि मैं अभी बता दूंगा बाय कर लो, लेकिन आपको निकलना कब होगा, तब बाद में दिक्कत हो जाएगी। अब आपको पता चलेगा कि अपने को कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस मिलने है, और फिर बाद में पता चलेगा कि कहाँ पर अपने को बाइंग करना चाहिए और कहाँ पर मेजर सपोर्ट मिल सकते हैं, कहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस मिल सकते हैं। तो अपने ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में ये देखा। अब बात करते हैं कि इसमें ब्रेकआउट कब होगा। देखिए देखिए दोस्तों ब्रेकआउट कब होगा, इसमें देखो ट्रेड लाइन का इसका बार बार रेजिस्टेंस मिला, तो वन टाइम टू टाइम इसने रेजिस्टेंस मिला, थ्री टाइम के यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलने वाला है। ये 100% रेजिस्टेंस मिलेगा दोस्तों। अब अभी बाय नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, यहाँ पर वेट करना है। इस ट्रेड लाइन के पास में दो कंडीशन बन सकती है, या तो ये ट्रेड लाइन को टेस्ट करके फिर नीचे आ जाए, नीचे आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, लेकिन ट्रेड लाइन के पास में आके रुके, यहाँ रुकना चाहिए। अगर या तो शूटिंग स्टार कैंडल बना देगा जिस तरह से बनाइए तो फिर नीचे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर अब पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर रुक सकता है, एक दो दिन रुक के और फिर बाद में काम करके फिर निकलता है, तो इसमें शानदार आपको रैली दिखाई देगी। अगर दो तीन साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो केमिकल सेक्टर का बहुत ही शानदार स्टॉक है दोस्तों। इसके बिजनेस मॉडल के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो, क्योंकि बार बार बिजनेस मॉडल एक ही रहने वाला है, उसको बार बार अपने को क्या टेक्निकल एनालिसिस पर ज्यादा ध्यान देना है। ये देखिए यहाँ पर आके काम करके फिर ब्रेकआउट होगा, तो या तो एक कंडीशन हो सकती है यहाँ पर रुके, अगर डायरेक्ट निकल गया ऊपर तो अपने को डायरेक्ट निकल गया तो बाइंग नहीं करनी है। कैसे करें, ब्रेकआउट हो गया तो उसका पुल बैक पैटर्न का वेट करना है। पुल बैक पैटर्न अगर डेली टाइम फ्रेम में ये निकला है तो वापस डेली टाइम फ्रेम में ही आना चाहिए। पॉसिबिलिटी है कभी कभार क्या ये स्टॉक क्या है कि 60 मिनट में भी आ जाते हैं, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में आ जाता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी इसका। आप ऐसा लेके और फिर ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब नीचे नहीं आएगा वो, बाद में इसको ब्रेकआउट कर देगा, प्राइस सस्टेन कर लेगा। तो इस तरह से अपने इस ट्रेड लाइन का देखा। अब बात करते हैं दोस्तों कि एक 200 मूविंग एवरेज का देखते हैं कि 200 मूविंग एवरेज किस तरह से काम करते हैं। अपने को जो सबसे फेवरेट है 200 मूविंग एवरेज में क्या है कि अपने को पता चलता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। 200 मूविंग एवरेज से नीचे रहता है तो अपने को नहीं करना चाहिए डेली टाइम फ्रेम में। आप ये देखिए, ये वीकली टाइम फ्रेम है शायद, हाँ अभी देखिए। अब देखो देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए, जो दोस्त नए जुड़े हैं वो देख सकते हो, इस ट्रेड लाइन को बार बार यहाँ पर पहले सपोर्ट ले रहा था, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, फिर इस ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है, लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है। मैंने बोला था वो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, आपको मैं वापस दिखा देता हूं। यहां पर देखो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, तो यहां पर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनना चाहिए, आपको वेट करना है। इस देखो ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा, 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होगा, और यहाँ पर भी वो अपना लोअर टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। तीन चीजों का साथ में दोस्तों ब्रेकआउट होगा, तब अपन जाके इसमें बाइंग करेंगे। एक चीज होती है जैसे 200 मूविंग एवरेज मान लिया, नहीं है ट्रेड लाइन का भी तो ब्रेकआउट हो रहा है, और लोअर टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो इसका ट्रेंड चेंज होगा, 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होगा और उसका बाद में ट्रेड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा। तीन चीजें होगी। अब बात करते हैं एक दोस्तों
देखिए आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं ये भी देख लेते हैं। दो तरह के डाइवर्जन होते हैं, एक पॉजिटिव डाइवर्जन एक नेगेटिव डाइवर्जन, उसको किस तरह से अपन आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए दोस्तों प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था, आपको देखो आरएसआई को देख के कभी भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पहले तो ये बात में ध्यान दे रखनी है, लेकिन आपको अलर्ट हो जाना है कि हाँ इसमें कुछ मूवमेंट आ सकता है। देखो प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था, ये सारे इंडिकेटर है दोस्तों लैगिंग इंडिकेटर है, अपने को प्राइस एक्शन पर ही ध्यान रखना है, ये सारे लैगिंग इंडिकेटर इनसे कोई नहीं नहीं रहता, लेकिन आप इसको देख सकते हो। ये देखिए ये प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था और आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे, उसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। अब यहाँ देखिए हमने पहले डिस्कस किया था, उनकी बात बता दें जो पहले से जुड़े हुए दोस्तों उनको पता होगा। देखिए यहाँ पर डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे, ये प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ था और ये इसको डाइवर्जन बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। तो तब ना हमने डिस्कस किया था कि इसमें डाइवर्जन दिखाई दे गए हैं, यहाँ पर हैम्बर भी कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है, जो भी साथ ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी उसकी, ठीक है। तो ये इसके बाद में आप मूवमेंट देख सकते हो, जो जिन्होंने वहां छोड़ दिया अब इसको ट्रेड लाइन के साथ में ब्रेकआउट के समय वेट कर सकते हो, उसके बाद में ही बाइंग कर सकते हो। आने वाले 2-3 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना हो तो बहुत ही बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। अब देखिए इसने इसने क्या कि रिटर्न देखिए इसका, जिस तरह से इंसान का अलग बिहेवियर होता है स्टॉक का भी अलग बिहेवियर होता है। एक बार चलते देखो, कई बार देखा है आपने मार्केट में एक बार अच्छी रैली आती है फिर नहीं आती, तो इसका ये बिजनेस को समझिए, इसको एक सट्टा मत में बिजनेस समझिए। जिस तरह से जैसे कोई दुकान ओपन ओपन करते हैं तो दुकान में क्या होता है, कब ज्यादा बिक्री होती है, एक तो शादियों के टाइम होती है या स्कूल ओपन होती है, कपड़े की दुकान होती है तो, या जूतों की दुकान है तो स्कूल के टाइम या शादियों के टाइम, ये नॉर्मली रहता है। जैसे गर्मी की अपने जूस की दुकान खोली तो गर्मियों के टाइम ज्यादा बिक्री होगी, और तो उसका वो एडजस्ट होता है वैल्यू, जिसने समझ लीजिए 5 महीने में पैसे अच्छे कमा लिए और बाद में उस वो अगर सर्दियों में ज्यादा जूस थोड़ी बिकता है, वो प्राइस को एडजस्ट करता है। उसी तरह से ही स्टॉक मार्केट में आपके उस तरह से बिहेवियर करता है, प्राइस को एडजस्ट करता है। अब ये प्राइस को एडजस्ट कर लिया 2-3 साल, 2 साल कब से, ये देखिए कब से कर रहा है, सितंबर 21 से। अब आने वाले समय में एक बेहतरीन रैली दिखाई दे सकती है मार्केट में, क्योंकि 2 साल जो पहले यहाँ पर रैली दिखाई दी थी उसका प्राइस का एक्शन कंप्लीट हो गया है, प्राइस एडजस्ट हो चुकी है। तो आने वाले समय में आपको रैली भी दिखाई दे सकती है मार्केट में, जिस तरह से आप देख सकते हो रैली अभी प्रेजेंट टाइम में दिखाई दे रही है। तो इस तरह से इस ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा डब्ल्यू, इसमें आपको देखो छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया, अगर मैं आपको बताऊं तो देखो डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बना है, उसको ब्रेकआउट भी करेगा और ट्रेड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा। अब मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर लगाएं तो लगा सकते हैं, अब ये डाउन ट्रेंड में है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या करेंगे हम, इसको ऊपर लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। और ये देखिए अब देखिए कहाँ कैसे होता है दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट 23% का रिट्रेसमेंट होगा यहाँ पे, इसको ब्रेकआउट करेगा, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा, 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होगा इसका साथ ही हो। बाद में देखो रेजिस्टेंस कहाँ मिलेंगे, पहला रेजिस्टेंस आपको ये मिलेगा, दूसरा ये मिलेगा, फिर ऊपर की तरफ मिले। अगर एक चीज ध्यान रखना, इसके टॉप के पास में है ना ऊपर की तरफ जाए, टॉप से बाद में रिवर्स होए तब एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वापस थोड़ी सी करेक्शन मतलब नीचे की तरफ आ सकता है। ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया, जैसे यहाँ पर ध्यान रखना है अपने को 1150 के लगभग, और फिर बाद में यहाँ पर 1600 के लगभग रखना है। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। ये दोस्तों वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई आपको कमेंट किसी स्टॉक में फंसे हुए हो आप, तो कमेंट करके जरूर बताइए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसको चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो कि ये चीज में आपने गलत बताया या इसमें कमी है, उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।